तो जो 4 दिन रहकर यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी। जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पर 5 वोल्टेज आएगा, जो कि आपको ट्रैक करना मैंने बता दिया है कि किस तरीके से इसको चेक करेंगे। ग्राउंड पॉजिटिव आपने चेक किया, यहाँ पे भी पा रहा था, दूसरा यहाँ पे आया जी था, तीसरा साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिला था, हमारी लाइन यहाँ पे जुड़ी थी। अब जी जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 वोल्टेज जहां जहां इसकी लाइन जुड़ी है, जो आपने चेक वाह कराई, जी वहां वहां पे वोल्टेज आपके 5 पहुंचने चाहिए। तो मैं यहाँ पे चार्जर लगा देता हूँ इसमें, देखिए चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद में मीटर को DC 20 पे सेट करेंगे आप उसको। DC वोल्टेज है, इस पर सेट है। अब एक प्रूफ मैं ग्राउंड करूंगा और यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक करूंगा, क्या हमारा चार्जिंग जैक ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज देखिए नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड पर लगाएंगे तो कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब जी लास्ट में प्लस पर लगाएंगे तो आपको जितने भी चार्जर पर वोल्टेज आएंगे, 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 वोल्टेज के करीब मिल रहे हैं, 4.8, मेरे लिए 2 वोल्ट जी कम है, जो कि चार्जर कम दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज जो है मिल रहे हैं इसको। आपको ध्यान रखना है कि हमारी साउंड कहाँ तक पहुंची थी। जहां जहां हमारी साउंड जो आपको ट्रैक कराई थी, वहां पे हमारे उतने ही वोल्टेज मिलेंगे जितना यहाँ से आ रहा था। एक यहाँ था 4.8, 4.8, 4.8, इसके बाद जी यहाँ पर था आपका 4.8। अब इस चार्जिंग आईसी के जिस पिन पर वोल्टेज जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर 4.8 की सप्लाई हमारी आईसी पर इन हुई। जी इस आईसी पर 4.8 की सप्लाई हमारी इन हुई है, और हम बैटरी के प्लस पर चेक करेंगे कि हमारे को कितना वोल्टेज मिलना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4.1 की सप्लाई हमारे बैटरी के प्लस को मिल रही है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी हमारी ठीक ठीक है, इसलिए वोल्टेज हमारे मिल रहा है। अब साउंड है क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साउंड ये वायर था जो कि जी यहाँ पर लगाया हुआ था, वो मैंने हटा दिया है। अब मैं बैटरी के प्लस पर आपको सप्लाई चेक कराता हूँ, आती है अभी 4.1 से, आप चेक कीजिए, कोई जी भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन जो चार्जिंग आईसी है आपकी यहाँ पे 4.5 वोल्ट के करीब ये यहाँ पे दे रही है, ठीक है। अब बैटरी के प्लस की लाइन और चार्जिंग की इस रेजिस्टेंस से लाइन होती हुई यहाँ पे चार्जिंग आईसी पर आएगी, जो कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा। जब आईसी ही आपकी जो है आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगी, आईसी आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगी, तो बैटरी के प्लस पर नहीं पहुंचेंगे। यदि आईसी खराब है तो वोल्टेज नहीं आएंगे। आईसी लीकेज होगी तो कभी 3 कभी 4 वोल्टेज होंगे। जी आईसी ठीक होगी तो पूरा 3.7 से 4.12 तक वोल्टेज देगी। आईसी शॉर्ट होगी तो बैटरी के प्लस में 5 वोल्टेज मिलेंगे। बैटरी के प्लस में 5 वोल्टेज मिलेंगे। अब इसके बाद में क्या क्या आपको करना है यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ कि आपको जो एक डायोड लेना है, जो आप डायोड लेंगे वो आपको लेना है इसमें। जी नमस्ते। यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे जो है ठीक है, जैसा आपने जोड़ा, अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे जितना हमारा आउटपुट में था उतना मिल रहा है क्या।
देखिए ये आ गया, इससे आने के बाद आईसी भी आउटपुट में देगी जब यहाँ पे पहुंच, ये आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करो ये वोल्टेज आ। अब जो हमारा फॉल्ट था ना, प्रॉब्लम थी, वो इस आईसी के अंदर थी जी, इसके अंदर प्रॉब्लम थी जिससे कि हमारे आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम ये है, आपको देखना है कि प्रॉब्लम हमारे फैक्ट्री के क्या स्थिति आ रही है। स्थिति आने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेसिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ट्रेसिंग उसके लिए मैं आपको अभी प्राइवेट वीडियो भेजूंगा ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, चार्जिंग की, वहां से आपको तैयारी करनी है। अब हमारे बैटरी के प्लस पर वोल्टेज आ गए तो हमारी बैटरी चार्ज होगी। अब बैटरी कभी कभी होगा क्या कि आप किसी किसी फोन में बैटरी के प्लस पर वोल्टेज तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो। जी ऐसा प्रॉब्लम हमको मिला हुआ है, वोल्टेज पहुंचता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। हाँ, तो जो बैटरी का प्लस है वहाँ पे आपको सप्लाई 4.12 तक मिलती है, बैटरी आपकी चार्ज नहीं होती है। तो इसमें दो प्रॉब्लम मिलती है। देखिए सबसे पहले हम चार्जर जहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, देखिए जहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं इस पॉइंट पे हमारे 5 वोल्टेज या 6 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। जब ये वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलते हैं तो सिर्फ वोल्टेज मिलेंगे, उसके साथ में जो एम्पियर होते हैं वो आपको नहीं पहुंच पाते बैटरी के प्लस पर, इसलिए बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। बैटरी के प्लस पर वोल्टेज आपके ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल फिक्स है, तो आप सबसे पहले बैटरी को चेंज करें, दूसरा बैटरी लगा के देखें, हो सकता है बैटरी के जो एम्पियर है वो डाउन हो। आपने बैटरी भी चेंज की फिर भी स्टोर नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक जो है वो रिसोल्ड करना है या चेंज करना है यहाँ से, जिससे कि जो हमारे एम्पियर होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जो चार्जिंग जैक है इसको यहाँ से निकाल के दूसरा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन या गंदगी की वजह से या इस केबल में कार्बन गंदगी आने की वजह से हमारा जो है वोल्टेज पहुंचता है एम्पियर नहीं पहुंचता। एम्पियर जो होता है वो आपकी स्पीड होती है। ये आपकी जो स्पीड होती है, अब यहाँ से आपने ये चेंज कर दिया और यहाँ पे वोल्टेज पहले भी थे और अब भी ठीक आ रहे हैं, अभी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। चार्जिंग जैक चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी फोन में हो सकता है ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्जिंग और बैटरी की लाइन में जो भी कंपोनेंट लगे, एक रेजिस्टेंस लगाए, किसी फोन में रेजिस्टेंस होगा किसी में नहीं होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल के फिर से लगा दें, क्योंकि ये रुकावट डालेगी एम्पियर में। मतलब इसी रेजिस्टेंस को निकाल के फिर से दोबारा यही लगा देंगे कि दूसरा रेजिस्टेंस तो ठीक है ना, वोल्टेज तो दे रहा है बैटरी प्लस पे जी, लेकिन एम्पियर नहीं दे रहा। एम्पियर जो होते हैं हमारे कंपोनेंट मॉइस्चर में आने की वजह से, हल्का सीलन पकड़ने की वजह से, कार्बन की वजह से एम्पियर नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे हम इसको रिफोल्ड कर देंगे, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। पहले चार्जिंग जैक रेजिस्टेंस, अब भी नहीं होती है तो फिर चार्जिंग आईसी इसको निकाल के वापस इसी को लाएं, क्योंकि सेक्शन हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज पहुंच रहे हमारे फिक्स, बस एम्पियर नहीं पहुंच रहे। तो एम्पियर पहुंचाने के लिए हमें जो है वहां पे रिसोल्ड करने पड़ेंगे चार्जिंग आईसी, चार्जिंग जैक और जो भी रेजिस्टेंस लगी होगी सीरीज में, ठीक है जी। हाँ, तो इतना समझ में आया जी, समझ में आया। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा प्राइवेट, अभी जो है उसमें आपको कवर करनी है, ट्रेसिंग कवर करनी है और भी कुछ चीजें है उसमें, वहां से आपको नोट्स भी बनानी है नोटबुक पे। लाइव में प्रैक्टिकल दिखाता रहूंगा ट्रेसिंग की और इसके, और प्राइवेट वीडियो पे आपको नोट्स बनाने जी। ठीक, और कुछ पूछना है जी? नहीं, तो मैं आपको अभी भेज देता हूँ, ठीक है जी। ठीक, अच्छा दिन में जब भी समय मिलता है दुकान से आप अपना जी कर लेना, और शाम को समय मिलता है तो शाम को भी जुड़ जाना, शाम को भी क्लास चल रही है 4 बजे से जी। 4 बजे से तो ये तो दुकान सब लग जाता है ना शाम को टाइम है, दुकानदारी के टाइम में कभी समय मिलता है आपके पास में समय होता है तो जुड़ सकते हैं, बाकी का आपको सुबह का चल ही रहा है जी। जी ठीक है, ठीक है, शाम में टाइम मिल जाएगा तो शाम में भी जुड़ जाएंगे। हाँ, उसमें आपको फायदा है, आपका डबल हो जाएगा जी। जी ठीक, चलिए ठीक है, मैं आपको प्राइवेट व्यू भेज देता हूँ, ठीक है जी। जी ठीक, हेलो।